वहीं लखनऊ के परिवहन कार्यालय में नए डीएल बनवाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। परिवहन कमिश्नर धीरज साहू ने 4 अप्रैल तक डीएल बनवाने पर रोक लगा दी है। 4 तारीख के बाद आवेदक के मोबाइल पर नई तिथि SMS आ जाएगी, उस स्थिति में आवेदक आकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। वहीं RI सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि संभागीय परिवहन कार्यालय में शनिवार से 4 अप्रैल तक नए डीएल बनवाने के कार्य को रोक दिया गया है, क्योंकि आवेदन दूर दूर से आते हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आदेश पारित किया गया है। अभ्यर्थियों को दिनांक 4 अप्रैल तक स्लॉट दिया गया था, पूर्व में दिया गया था, उन स्लॉट को रीशेड्यूल्ड कर दिया गया है। 4 अप्रैल के बाद उनके स्लॉट को चेंज करके उनके मोबाइल पे मैसेज प्रेषित किए जाएंगे। अभी क्या कार्य हो रहे हैं? अभी रिन्यूअल जिनका ड्यू है, जिनको पूर्व में डेट मिली हुई है, उन अभ्यर्थियों के आवेदनों का निस्तारण कराया जा रहा है। और जिनके लर्नर लाइसेंस 30 अप्रैल के अंदर एक्सपायर हो रहे हैं, और यदि उन्हें डेट दिया जा चुका है, स्लॉट बुक किया जा चुका है, तो उनके आवेदनों का निस्तारण हो रहा है। संभागीय परिवहन कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर, हम बताना चाहेंगे कि कोरोना नामक वायरस की दहशत यहां भी पहुंच गई है। पूरे RTO ऑफिस में जहां इस समय सैकड़ों की भीड़ होती थी, आवेदक आते थे, अपना काम कराते थे, लेकिन कोरोना के दहशत से यहां पर भारी सन्नाटा पसरा हुआ है। इसको देखते हुए TC परिवहन ने एक आदेश जारी किया है कि जिन लोगों के लर्निंग लाइसेंस की डेट स्लॉट अभी से लेकर 4 तारीख तक है, उसको पोस्टपोन किया जाता है। अगली डेट जिनकी स्लॉट है, उनको उनके मोबाइल पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। 4 तारीख तक इस परिवहन कार्यालय में किसी भी प्रकार के लाइसेंस नहीं बनेंगे। 30 तारीख तक सिर्फ उन्हीं के काम होंगे जिनके DL एक्सपायर हो रहे हैं या पता उसमें बदलना है। ऐसे ही लोग सिर्फ संभागीय परिवहन कार्यालय आएंगे और अपना कार्य कराएंगे। लाइव टुडे से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ। और ताजा अपडेट के लिए हमारे लखनऊ संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कोरोना वायरस को देखते हुए लखनऊ परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के आवेदन आ रहे थे, उन पर रोक लगा दी गई है। अब 4 अप्रैल से पहले कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि संभागीय परिवहन कार्यालय RTO ट्रांसपोर्ट नगर में सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। नया DL बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करने पर उनको एक डेट मिलती है कि इस डेट पे आप आकर अपना बायोमेट्रिक करवाएंगे या ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग का टेस्ट देंगे। तो इस प्रक्रिया को संभागीय परिवहन के जो कमिश्नर हैं धीरज साहू, उन्होंने आज से तत्काल प्रभाव से 4 तारीख तक, 4 अप्रैल तक इसको रोक दिया गया है। जिन लोगों की स्लॉट इन तारीखों में थे, उनको 4 तारीख के बाद SMS के द्वारा नई डेट अलॉट होगी, जो कि SMS द्वारा प्राप्त होगी। उन डेटों पर वो आकर कार्यालय में अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन इस बीच में आप संभागीय परिवहन कार्यालय में सिर्फ 2 ही प्रकार के कार्य होंगे। जिनके DL एक्सपायर हो रहे हैं 31 मार्च तक, वो अपना बनवा सकते हैं या DL में पता बदलवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का भय संभागीय परिवहन कार्यालय पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जहाँ सैकड़ों हजार लोगों की भीड़ होती थी, अभी पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। जी नीरज, कल जनता कर्फ्यू भी है और परिवहन विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला भी लिया गया है, लेकिन कुछ कर्मचारी अपनी सक्रियता दिखाते हुए नजर आएंगे, कुछ कर्मचारी हर कार्यालय में मौजूद रहेंगे, पुलिस भी मौजूद रहेगी, तो वो लोग किस तरह से सावधानियां बरत रहे हैं? और बात करें जनता कर्फ्यू की, तो जनता कर्फ्यू का असर कितना दिख रहा है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि कल जनता कर्फ्यू का आह्वान है और कल रविवार का अवकाश भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अधिकारी कर्मचारी प्रोटोकॉल में रहेंगे। इसके लिए पूरी व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। दरवाजों पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी गई है। लोगों को वहां पर जागरूक भी किया जा रहा है, जो आए हाथ को सैनिटाइज करें, उसके बाद कार्यालय के अंदर प्रवेश करें। ये अमूमन हर जगह पर देखने को मिला है, चाहे वो परिवहन हो, संभागीय कार्यालय हो, रेलवे हो,
हर जगह पे इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है, जागरूकता फैलाई जा रही है जिला प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह नजर गड़ाए हुए है, तो कहीं भी लापरवाही देखने को नहीं मिल रही है। जी नीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप भी कोरोना वायरस से सावधानी बरतें।